तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम कार्तिक फ्रॉम एनिमे असेंबली एंड टुडे वी आर गोना रिव्यू आनोहाना एनिमे। एंड ये हमारे चैनल का फर्स्ट एनिमे रिव्यू होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आनोहाना द फ्लावर वी सॉ टेड डे, ये 11 एपिसोड की स्लाइस ऑफ लाइफ सुपर नेचुरल एंड ड्रामा जॉनरा की एनिमे है, जिसे एवन पिक्चर्स ने एनिमेट किया है। अगर आप एक इमोशनल एनिमे ढूंढ रहे हैं देखने के लिए, तो मेरे हिसाब से आनोहाना आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तो इसका प्लॉट डिस्कस करते हैं। तो इसका प्लॉट रिवॉल्व करता है जिंता नाम के एक टीनेजर के अराउंड, जिसके कुछ दोस्त होते हैं। इन सभी का बचपन में एक ग्रुप होता है 6 बच्चों का, जिनमें से एक बच्चे की डेथ हो जाती है एंड उसके बाद इनका ग्रुप डिसबैंड हो जाता है। सभी के ऊपर उसकी डेथ का अलग अलग असर पड़ता है। तो इसकी स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब जिंता को मैनमा दिखती है। मैनमा का बेसिकली भूत दिखता है। मैनमा की एक विश होती है जो वो चाहती है कि पूरी हो, उसे खुद भी याद नहीं होता वैसे उसकी विश क्या है, एंड वो तभी पूरी हो सकती है जब सभी साथ हों। तो फिर किस तरीके से उसकी विश क्या होती है, उसकी विश कैसे पूरी करते हैं, एंड किस तरीके से सब लोग वापस आते हैं, साथ आते हैं, इनका ग्रुप वापस बनता है, ये सभी इस एनिमे का बेसिक प्लॉट है। तो अगर मैं इसके करेक्टर्स की बात करूं, तो सभी करेक्टर्स स्टार्टिंग में तो आपको थोड़े बहुत नॉन रिलेटेबल लग सकते हैं, बट जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है, उनकी पास्ट स्टोरीज दिखाई जाती हैं, उनके इमोशंस दिखाए जाते हैं, उनकी फीलिंग्स दिखाई जाती हैं, तो धीरे धीरे करके सब कुछ अपना सेंस बनाने लगते हैं और सभी करेक्टर आपको पसंद आने लगते हैं। इवन मेरे हिसाब से सभी करेक्टर आपको पसंद आएंगे। मुझे एक करेक्टर पसंद नहीं आया था, बट लास्ट तक मुझे वो भी ठीक लगा। इस एनिमे की सबसे ज़्यादा जो खास बात मुझे लगी वो इसका म्यूज़िक, और उस म्यूज़िक को जिस तरीके से यूज़ जिस मोमेंट पे किया है वो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा औसम है। इसकी ओपनिंग ले ली जाए काफ़ी औसम है, एंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा औसम है, एंडिंग तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है बल्कि, एंड साथ में इसके OSTs भी देख लें तो सभी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा औसम लगते हैं। लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसके OSTs, एंड मैं इसकी ओपनिंग एंड एंडिंग को बार बार सुन रहा हूँ अभी तक। ये एनिमे आपको आपके बचपन की भी याद दिलाता है। बेसिकली जब भी फ्लैशबैक्स आते हैं तो उसमें वो इनोसेंस दिखती है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप बचपन में करते हो, जैसे अपने दोस्तों को निकनेम से बुलाते हो, आप साथ में गेम्स खेलते हो, एंड काफ़ी सारी अलग अलग बातचीत होती हैं। तो यही सब है, ये सब इस एनिमे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया है, जो आपको आपके बचपन की याद दिलाएगा। साथ में इस एनिमे में काफ़ी सारी ऐसी बातें भी है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं। लिटरली इस एनिमे को देखने के बाद मैं सोच रहा था कि मतलब जब हम बच्चे होते हैं उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो सभी लोग काफ़ी बदल जाते हैं, पर जो हमारा कोर होता है, जो हम असलियत में होते हैं, मेरे हिसाब से वो कभी नहीं बदलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग किसी ग्रुप में अपने आप को दिखाने के लिए, किसी ग्रुप का पार्ट बनने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को खो देते हैं एंड उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा पजलिंग सी बात बोल दी, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया हो। बाकी इस एनिमे की एक मूवी भी है, आप चाहें तो उसे भी ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और आप इसके करेक्टर्स को थोड़ा और स्क्रीन टाइम देना चाहेंगे या स्क्रीन पे देखना चाहेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी मूवी भी देख लें। बाकी मूवी का अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ तो उसमें पूरी समरी है एक तरह से इस पूरी 11 एपिसोड की एनिमे की, एंड कुछ और फ्लैशबैक सीन्स हैं, कुछ थोड़ी सी और डेप्थ देने की कोशिश की गई है, पर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसकी मूवी देखें या ना देखें, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी एनिमे तो वर्थ वॉचिंग है और सभी को एक ना एक बार तो देखनी चाहिए। और इसकी माय एनिमे लिस्ट में रैंकिंग भी 102 की है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग भी है एंड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो जिसने भी एनिमे देखी है वो नीचे कमेंट करना कि उसे एक एनिमे कैसे लगी, एंड जिसने नहीं देखी तो जाके अभी देख सकता है। कि मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो पे। टिल देन सायोनारा माता ने। Yeah.